पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश की बैठक आज गांधी भवन भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया कि आगामी माह से में संपूर्ण मध्य प्रदेश में यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के कई सम्माननीय सामाजिक बंधु एवं प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। मैं भुवनेश कुमार पटेल जी, पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा का एक घटक हूँ। उसमें विभिन्न संगठन पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे में सम्मिलित है। इसका उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पूर्ण रूप से सरकारी कार्यालय और निजी संस्थाओं में लागू हो, जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने विधानसभा से पारित किया है, उसमें कोई परंतु टू में और अगर कोर्ट से कोई निर्णय भी होता है तो उसको पुनः विधानसभा में लाके उसको रिजेक्ट किया जाए, ये मानना है। लोकसभा में भी जाके ये आगे प्रेषित करें, लेकिन उसको ठंडे वस्ते में नहीं जाए। दूसरी मांग ये है कि जिस तरह से ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायतों में, जिला पंचायतों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में OBC का आरक्षण है, SC ST का आरक्षण है, उसी तरह का आरक्षण विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी होना चाहिए और न्यायालय में भी आरक्षण का लाभ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के लिए ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। उसका समापन भोपाल में होगा। एक कार्यक्रम यहाँ 11 अप्रैल को फुले जयंती पर होगा, 1-2 जून को साहू जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर भोपाल में 2 कार्यक्रम होंगे। अन्य कार्यक्रम संभाग भाई पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में। कितने लोग इसमें सर शिरकत करेंगे, कितने लोग आएंगे? क्या पूरे मध्य प्रदेश से आएंगे, केवल भोपाल के रहेंगे? कहाँ पर ये आपके कार्यक्रम में? इसमें पूरे मध्य प्रदेश के जिला स्तर के लोग रहेंगे, जिला ब्लॉक स्तर के लोग इसमें रहेंगे। लगभग 25,000 से 30,000 लोग इन कार्यक्रमों में रहेंगे। सर कार्यक्रम कैसा, क्या रहेगा, उसकी क्या रणनीति रहेगी कार्यक्रम की? पहले पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जन जागरण होगा रथ यात्रा के माध्यम से, इसके बाद समापन भी होगा। लेकिन 11 अप्रैल फूले जयंती है तो एक कार्यक्रम भोपाल में। प्रांत अध्यक्ष आपास।